आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता है। प्रदेश के 2 शिक्षकों सहित 47 शिक्षकों को मिला राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। प्रदेश में पंचायतों को मिले 996 करोड़। मुख्यमंत्री ने कहा पंचायतों को संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। 12 सितंबर से 80 और नई ट्रेनें शुरू होंगी। 10 सितंबर से करा सकते हैं आरक्षण। नरसिंहपुर में शिक्षकों की मेहनत से बदली 100 साल पुराने स्कूल की तस्वीर। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 61वें अंक में कल आप प्रादेशिक समाचारों में सुनेंगे विख्यात चंदेरी साड़ियों की तर्ज पर बन रहे सिल्क के मास्क और इनसे सफलता रचते बुनकरों पर विशेष रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज प्रदेश के छिंदवाड़ा के शिक्षक शाहिद अंसारी और टीकमगढ़ के शिक्षक संजय जैन सहित देश के 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि शिक्षक ही वास्तविक राष्ट्र निर्माता है, जो हमारे बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि केवल अच्छी इमारत, महंगे उपकरण या सुविधाएं ही एक अच्छे स्कूल का निर्माण नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का समर्पण एक अच्छा स्कूल बनाने का महत्वपूर्ण पहलू है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि समाज को गढ़ने का महत्वपूर्ण काम शिक्षक ही करते हैं। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षकों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने गुरु की महिमा गोविंद से भी ऊंची बताई। उन्होंने कहा कि हम शिक्षकों का आत्मसम्मान बरकरार रखते हुए प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि निजी स्कूलों में भी शिक्षकों का आत्मसम्मान बनाए रखने और स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार जल्द ही एक विधेयक लाएगी। धार, सीहोर, उमरिया सहित प्रदेश के कई जिलों में आज डिजिटल टीचर्स डे मनाया गया। इस महीने की 12 तारीख से 80 नई विशेष पैसेंजर रेलगाड़ियां शुरू की जाएंगी। रेलवे ने बताया कि रेल यात्री इन नई गाड़ियों के लिए 10 सितंबर से आरक्षण करना शुरू कर सकते हैं। ये रेलगाड़ियां देश भर में चल रही 230 रेलगाड़ियों की अतिरिक्त होंगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि आरक्षण की मांग और प्रतीक्षा सूची पर रेलवे नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो रेलगाड़ियां बहुत जल्द शुरू की जाएंगी। श्री यादव ने बताया कि परीक्षा और अन्य विशेष उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों के विशेष अनुरोधों पर और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या करीब 71,000 हो गई है, जबकि 53,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में 229 नए मरीज मिलने से कुल संक्रमितों की संख्या 11,666 हो गई है। वहीं इंदौर में 284 नए मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों का आंकड़ा 14,315 हो गया है, जबकि 9,896 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आज यहां एक हेड कांस्टेबल की कोरोना से मौत हो गई। देवास में आज 14 नए मरीज मिले और 22 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। अब यहां कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 795 हो गई है। इनमें से 662 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कटनी में आज 5 नए मरीज मिले। अब यहां कुल मरीज 538 हो गए हैं। वहीं रतलाम में एक भाजपा नेता की कोरोना से मौत हो गई। अशोकनगर में आज 20 नए मरीज मिले। अब यहां कुल संक्रमित मरीज 266 हो गए हैं। इनमें से 169 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की 70% आबादी गांवों में निवासरत है। गांवों की तस्वीर बदलने का दायित्व पंचायत प्रतिनिधियों का है। राज्य सरकार इन कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ये बात 15वें वित्त आयोग अनुदान की 996 करोड़ की राशि पंचायतों को ई ट्रांसफर करते समय कही। मंत्रालय में आयोजित इस वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना काल में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा की गई व्यवस्थाओं और कार्यों के लिए उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत प्राप्त इस राशि से पेयजल और स्वच्छता से संबंधित कार्य कराए जाना है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक पंचायतों को 15वें वित्त आयोग से 3,984 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इससे ग्रामों की तस्वीर बदलेगी। समाचारों में अब वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या एआईआर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा की खबरें आप रोजाना सुनते हैं, पर ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जो शिक्षकों की मेहनत के कारण आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर पढ़ाई के लिए भी जाने जाते हैं। आइए सुनते हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता आशीष जैन की खबर पर ऐसे ही एक स्कूल की सफलता की कहानी। सुनाती ये रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव ब्लॉक के खमरिया गांव के 100 साल से ज्यादा पुराने सरकारी स्कूल के सामने निजी स्कूलों की सुविधाएं भी फीकी नजर आती हैं। स्कूल के मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे में सीसीटीवी है। स्कूल में वृक्षारोपण, ग्राउंड में लगे टाइल्स, अनुशासन और साफ सफाई के जरिए सुरम्य वातावरण में पढ़ाई का माहौल बेहद ही सुखद है। को एड स्कूल होने के बाद भी यह अनुशासन में अव्वल है। स्कूल को इस रूप में लाने का यह सपना यहाँ के शिक्षक नारायण गुप्ता ने देखा था। करीब 10 साल की मेहनत और जन भागीदारी से उन्होंने स्कूल का कायाकल्प कर दिया है। ये तो एक टीम भावना थी और पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल, ग्रामवासी लगातार मुझे सहयोग करते रहे। मैं तो एक माध्यम रहा हूँ कि जो मैंने प्रस्ताव हर वर्ष ग्रामवासियों के समक्ष, स्टाफ के समक्ष रखा कि उसमें पूरे ग्रामवासियों ने, स्टाफ ने सहयोग दिया। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं बताती हैं कि सीसीटीवी लगे होने से वे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। यहाँ पर 22-23 कैमरे लगे हैं और यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है। यही वजह है कि यहाँ करीब 12 ग्राम पंचायतों की लड़कियाँ पढ़ने के लिए आ रही हैं। बंद न किनौर है, हमारे किधर पे जैसे साइकिल पंचर हो जाए ना तो सब लोग छोड़ने जाते। यह स्कूल और यहाँ की सुविधाएं सरकारी मदद की आस में बैठे उन सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी एक मिसाल है कि किस तरह मजबूत इच्छा शक्ति से जर्जर भवन को भी आधुनिक गुरुकुल में बदला जा सकता है। वहीं जबलपुर की दृष्टिबाधित शिक्षिका अल्पना गुप्ता जीवन की हर चुनौतियों का सामना करते हुए सामान्य बच्चों को भी शिक्षित कर रही हैं। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रेरणा उन्हें अपनी माँ से मिली जो खुद भी एक शिक्षिका थी। मैं एक पूर्ण दृष्टिबाधित शिक्षक हूँ और मैं सामान्य बच्चों को हाई उच्च माध्यमिक शाला निगरी में पढ़ा रही हूँ और बच्चे मुझे काफी हेल्प करते हैं। मैं अपनी ब्रेल बुक से बच्चों को पढ़ाती हूँ और बच्चे मेरे साथ मिलाते हुए पढ़ते हैं और जो भी दिक्कत होती है वो मुझसे पूछते हैं और मैं जहाँ तक हो सकता है उनको मार्गदर्शन करती हूँ। कांग्रेस ने घटिया चावल वितरण मामले की जांच सीबीआई से कराने और जांच का दायरा बढ़ाने की मांग की है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज एक ट्वीट करते हुए कहा कि चावल घोटाला सिर्फ बालाघाट और मंडला जिले तक ही सीमित नहीं है, ये कई जिलों तक फैला हुआ है और इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जाँच पहले ही ईडब्ल्यूओ को सौंप दी है। हनी ट्रैप मामले की पड़ताल हाईकोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा आज मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर लगाई गई जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 61वें अंक में कल आप प्रादेशिक समाचारों में सुनेंगे विख्यात चंदेरी साड़ियों की तर्ज पर बन रहे सिल्क के मास्क और इनसे सफलता रचते बुनकरों की कहानी पर विशेष रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। प्रदेश में अगस्त के बाद सितंबर का महीना भी झमाझम की झड़ी से साथ बीतने वाला है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में आगामी 5 दिनों तक अच्छी बारिश होगी। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी शनिवार 5 सितंबर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 6 से 10 सितंबर के बीच प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि उम्मीद है कि इस सप्ताह 6 से 9 सितंबर के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, खजुराहो, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, छिंदवाड़ा में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद समेत मध्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार
संक्षेप में, रायसेन जिले के गैरतगंज में स्वास्थ्य विभाग ने नवाचार करते हुए आज चलित अस्पताल का शुभारंभ किया। यह अस्पताल हाट बाजारों में जाकर मरीजों का चेकअप करेगा। आगरमालवा में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी और सरकार पूर्ण बहुमत के साथ यथावत बनी रहेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों ने आज शिवपुरी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक ज्ञापन सौंपा और भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर पुलिस टीम ने पपडेल रोड स्थित मांडाखेड़ा जोड़ के समीप बाइक सवार दो युवकों को पकड़ा और उनके कब्जे से 10 ग्राम स्मैक जब्त की, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई गई है। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज इंदौर से रीवा जा रही एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी, जिसमें 13 यात्री घायल हो गए। और अनलॉक 4 को लेकर जारी दिशा निर्देशों के बाद राजधानी भोपाल से रविवार का लॉकडाउन हटा जाने के बाद रात का कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता है। प्रदेश के 2 शिक्षकों सहित 47 शिक्षकों को मिला राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। प्रदेश में पंचायतों को मिले 996 करोड़। मुख्यमंत्री ने कहा पंचायतों को संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। 12 सितंबर से 80 और नई ट्रेनें शुरू होंगी, 10 सितंबर से करा सकते हैं आरक्षण। नरसिंहपुर में शिक्षकों की मेहनत से बदली 100 साल पुराने स्कूल की तस्वीर। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 61वें अंक में कल आप प्रादेशिक समाचारों में सुनेंगे विख्यात चंदेरी साड़ियों की तर्ज पर बन रहे सिल्क के मास्क और इनसे सफलता रचते बुनकरों पर विशेष रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।